since day one. I wait every day since summer. But the only thing I'm missing, only thing regretting is losing you. I'd rather be since day one. I did it all not too wrong. But in every goddamn racing, I found a demon back inside my mind. So baby, now we up. Yeah, we're making everything and we gone. And every time we dizzy or drunk, nice you come and say no more. Only Chiva. सो गाइस, रात को खाना पकाना है, उसके लिए लकड़ी है नहीं. सो जो भी लकड़ी था वो जला के ख़त्म कर दिया है. तो अभी निकलना है लकड़ी के लिए. तो अभी तैयारी के साथ में, तो जंगल में रहना है ना, तो ये सबका ज़रूरी है. तो अभी ढूंढेंगे यहीं पे आजू बाजू, कहीं पे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो लकड़ियाँ कलेक्ट करना पड़ेगा पैरों से. बहुत बढ़िया है क्या? तो पानी नहीं ले सकते. दो आदमी तो लेके जा ही सकते हैं ना? हा? दो आदमी मिलके लेके जा सकते हैं ना? ये लोग काट के रखा है क्या अपना जरूरत के लिए? इसलिए तुम तो चल रहे हो, नहीं ले सकते. उसमें देखते हैं ना, वो जगह सूखा है ना, उसको काट के देखते हैं, हो जाएगा तो ले लेगा ना. I see children smiling. हर तरफ खूबसूरत पाइन ट्री है, तो हर जगह से लकड़ी नहीं काट सकते, जंगल खराब नहीं कर सकते. जो नदी से बह के आया हुआ है उसी को ही काट के यूज करना पड़ेगा हमें. I want to be with you both day and night. To sit on the grass beneath the moonlight. I know that life won't last forever. But at least we can grow old together. I can see the sunrise reflecting in your eyes. When I think about all of the things that you and me could be. I want to be with you both. ये सब बड़ा बड़ा है ना, ये सब निकाल लेते हैं. वो बस्ता जो हम लोग लेके आए थे ना, उसी को लेके आ जाएगा. तो गाइस, हमें लकड़ियाँ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ा, यहीं पे मिल गया. तो इसी से हम लोग रात का खाना अच्छा से बना लेंगे. जंगल में ऐसा भी अच्छा है. एकदम सूखा सूखा लकड़ी है, अच्छा ये जलने में इजी रहेगा. तो आज तो हम लोग कुछ करने वाले हैं धमाका, जैसे कि आपको पहले बताया था. तो आज बन रहा है चिकन, एकदम आदि मानव के स्टाइल में रोस्टी, एकदम रोस्ट किया जा रहा है. तो भाई पूरा छील रहा है एकदम. उधर भाई लहसुन प्याज को कर रहा है एकदम शुद्ध, क्या बोलते हैं, नॉनवेज खाना बनने वाला है. तो इसको पूरा इस हमारे पास में कुछ जुगाड़ था नहीं पीसने के लिए, तो इसको इस तरह का पत्थर में रख के पीसा जाएगा फुल्ली नेचुरल तरीके से. इस खूबसूरत नज़ारे के साथ इस तरह का मस्त एकदम देसी टाइप में खाना बनाने वाला तो वो भाई है, खाने वाला हम लोग हैं,
और वहाँ बाजू में टेंट, ऐसे मस्त नज़ारा तो बहुत ही रेयर होता है। थोड़ा कटिंग कर रहे रे आज तो, अभी उसको वीडियो में मत डाल, स्ट्राइक लगेगा इसमें, स्ट्राइक नहीं लगेगा चिकन में, क्या स्ट्राइक लगेगा, फोन देखेगा स्ट्राइक लगेगा, वार्निंग स्ट्राइक लगेगा। उधर में चिकन कटिंग चल रहा है, तो यहाँ पे मसाला तैयारी हो रहा है, फिर इसको लगाया जाएगा चिकन पे, फिर इसको अच्छे से रोस्ट किया जाएगा। यहाँ पे भी मसाला वगैरह है सारे, कर्ची भी नहीं था तो हमने लकड़ी उठाया और इसको धो के फिर इसको यूज करने लग गया। डालो, हाँ बस हो जाए, और डालो डालो, बस 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 ये करो, उसके बाद मसाला पूरा डाल दो। तवांग में जो हो जाएगा तो उसके लिए तो थोड़ा एक्सट्रीम बना गया एकदम। खीर इर्ची की कोरिया से ने टाइम पास कोरिया से कोरी बोल काम नहीं, काम नहीं ने टाइम पास कोरिया से। ओ गिर जाएगा ना क्या वैसे, पहले से होगा, हाँ हाँ ऐसा वो एकदम कोना में है लेकिन, हाँ पूरा या मे भी ऐसा नहीं है तो देख सकते हो ना, पूरा जोरों शोरों से तैयारी है। डिर्ची भाई तो आज पूरा भयानक काम कर रहा है। चलो ज्यादा दो ना यार, मैं कर रहे हैं यहाँ पे तो एकदम मस्त प्रो लेवल में बन रहा है। तो ऑलमोस्ट चलो खाना खाएगा ना, ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो ही गया सब कुछ हम लोगों का। ये बस देख सकते हो मस्त कलर बन गया, और इधर दिच्छे भाई ने राइस भी रेडी कर लिया है, मैं खाना खाता हूँ। इधर में एक गेस्ट भी आया हुआ है, तो गोप्रो तो काम नहीं कर रहा है तो मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि फ्लैश तो है इसमें। तो कुकिंग तो हो गया, अभी सब कोई हम लोग खाना खाने में बैठ गए। ऋषि भाई तो एकदम पूरा कप से तैयार कर रहा था, पूरा अंधेरा हो गया था तो मोबाइल के फ्लैश के साथ में, बाजू में रिवर है कुछ दिखेगा नहीं, बैठते हैं शुरू करते हैं।